कि दोस्तों आप सबको पता है कि पहाड़ों में लवाई शुरू हो गई और यहाँ से हमारे खेत हैं और वहाँ से सनराइज भी हो रहा है, ये सामने से ये देख सकते। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, मैं सोनी बुटोला आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल चमोली वाली में। और आज जा रहे हैं हम खेतों में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम खेत में हमेशा जाते और मैं और भाभी जाते, ये तो मेरे साथ कभी छोड़ती है नहीं, मेरे साथ ही जाती हमेशा खेतों में, क्योंकि हम दोनों खेतों में साथ साथ जाते, इसलिए हम दोनों इकट्ठा रहते। तो दोस्तों, हम खेत में इसलिए जा रहे क्योंकि आप सबको पता है कि पहाड़ों में लवाई शुरू हो गई। और ये देख सकते हैं हमारे गेहूं के खेत, ये यहाँ पे सामने पे, और पहाड़ों में अब लवाई भी शुरू हो गई और हम गेहूं की लवाई करने के लिए जा रहे, मैं और भाभी। और मम्मी भी आएगी थोड़ी देर में, अभी तो घर का काम कर रही, फिर बोला हमें तुम लोग चले जाओ, मैं बाद में आती हूँ। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपको खेत में जाने के बाद। तब तक के लिए फ़िलहाल ऐसे ही रहो और वीडियो को स्किप भी मत करना, वीडियो में बने रहना, ठीक है? दोस्तों, हम पहुँच गए अपने खेतों में और यहाँ से हम गेहूँ की लवाई शुरू करेंगे नीचे वाले खेत से। वहाँ पे जा रही भाभी लवाई करने के लिए और मैं भी चलती हूँ लवाई करने के लिए, ठीक है दोस्तों? वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों, यहाँ पे ना चिड़ियों ने इतने बुरे हाल कर रखे ने हमारे खेतों का, गेहूँ का, मतलब जो बालियाँ रहती ये ऊपर वाली, उनका पता ही नहीं चल रहा कि बालियाँ कहाँ गई। और यहाँ से भाभी लवाई शुरू कर दी और मैं भी करती हूँ लवाई। और पता नहीं यार, इतने सारे चिड़ियाँ कहाँ से हुई पहाड़ों में और बर्बाद कर दिया हमारा, सारी मेहनत बर्बाद हो गई, ये देखो। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि लवाई करते हैं जब और गेहूँ काटते हैं तो उसके नीचे की जड़ नहीं रही, वो चुभ रहा था मेरे पैरों में। और मैं आई यहाँ पे चप्पल लेने के लिए, मतलब चप्पल पहनने के लिए, और फिर से जा रही मैं खेत में। अब लवाई शुरू करते हैं दराती से, क्यों ना ना। तो इनको पूछती हूँ कि इनको कैसा लग रहा खेतों में काम करते, ऐसा लग रहा बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। तो जल्दी जल्दी करो, एक एक ये खेत और एक ऊपर, एक ऊपर, दो तीन खेत निपटा के हमने घर जाना जल्दी जल्दी। और सब करते हैं हम, और हमें और भी काम है बहुत सारा, पहले लवाई शुरू करते हैं ना। लवाई ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा दिख रहा, हम स्टैंड लाना भूल गए इसलिए हमने ज़मीन पे रखा है फ़ोन, सॉरी। थोड़ा सा वीडियो अच्छे तरीके से नहीं आएगी फ़ोन में, क्योंकि हमने ज़मीन पर रखा है फ़ोन, इसलिए। तो दोस्तों, हमारे गेहूँ ऐसे हो रखे, मस्त हो रखे ना काटने के लिए, ये देखो, मतलब कच्चे तो नहीं है, सही है गेहूँ, डन पास, मतलब गेहूँ पकने में। तो अब देखते हैं क्या क्या होता है, पहले इस भूमि को बांधते हैं ऐसे करके। तो गेहूँ चेक करके बताना गाइज आप भी कि हमारे गेहूँ पक रखे हैं कि नहीं पक रखे, ठीक है? ये देखो, वैसे तो पक रखे हैं जिस हिसाब से मुझे पता है, बालियाँ छूट रही है नीचे, पता नहीं क्यों, ये देखो। तो दोस्तों, वहाँ से आ रही भाभी घास लाके और यहाँ से मम्मी लगा रही भारी को, और देख सकते हैं आप यहाँ पे लग रहा भारा गेहूँ का, ये देखो। वहीं पे भी साव नीचे कौशि तुम अकट। तो यहाँ से हम कट्टा को ले जाते हैं और मम्मी के पास देते हैं ये ला,
क्योंकि भारे पे लगाएंगे तब कीस नहीं चिपकेंगे गेहूं के, नहीं तो गेहूं के ये वाले कीस चिपकते हैं भाई, इनका तरीके से चुपते हैं। देखो तो दोस्तों आज हमने इतना काम किया, एक ये वाला खेत मतलब इसकी लवाई की, एक नीचे वाले खेत की लवाई की और थोड़ा सा ऊपर वाला खेत भी किया, क्योंकि इसमें गेहूं हरे हो रखे थे इसलिए हमने इस वाले खेत की लवाई नहीं की तब। और अब जाते हैं हम घर की ओर, और वीडियो का इन वीडियो को एंड करने का टाइम भी आ गया। और तो दोस्तों अगर आपको हमारी गेहूं की लवाई की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, जो नए हो सब्सक्राइब करें, और पुराने वालों को पता है कि ये वीडियो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, उनको भी गांव की खेतों की याद दिला दो, हरे भरे खेतों की याद, हरे भरे तो नहीं है पर अभी गेहूँ पक रखे। और अब चलते हैं हम भी अपने घर की ओर, और मिलती हूँ मैं आपको इसी तरह एक नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ़िलहाल बाय बाय, जय देव भूमि उत्तराखंड टाटा बाय बाय।